हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का एलगी का नेक्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे एलगी की क्लासेस के बारे में एलगी जो है बेटा इसको बेसिकली थ्री क्लासेस में डिवाइड किया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये कौन कौन सी एलगी है क्लोरोफाइसी फेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को कॉमनली कहा जाता है ग्रीन एलगी फेयोफाइसी के मेंबर्स को कॉमनली कहा जाता है ब्राउन एलगी और रोडोफाइसी के मेंबर को कॉमनली कहा जाता है बेटा रेड एलगी एनसीआरटी में एक टेबल आपको दी हुई हो होगी ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम्स में ज़रूर बनता है और वो टेबल क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ ये टेबल हर बच्चे के टिप पे होनी चाहिए टेबल थ्री पॉइंट वन आपकी टेबल है पेज नंबर थर्टी थ्री पे आपकी टेबल है तो इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है ध्यान से देखना इसका एक एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस टेबल में यहाँ पर हमने वर्टिकल रो में जो लेफ़्ट कॉलम है इसके अंदर रिप्रेजेंट किया है क्लोरोफाइसी फेयोफाइसी और रोडोफाइसी क्लासेस को उसके बाद सेकंड कॉलम में हमने इन क्लासेस के कॉमन नेम को रिप्रेजेंट किया है दैट इज क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को हम कहते हैं ग्रीन एलगी फेयोफाइसी के मेंबर्स को हम कहते हैं ब्राउन एल और रोहडोफाइसी के मेंबर को हम कहते हैं रेड एल इनके ये तीन कैरेक्टर बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्या है मेज़र पिगमेंट्स स्टोर्ड फूड एंड सेल तो मेज़र पिगमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा इन तीन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म मिलता है एग्जाम में क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं मेज़र वो कौन कौन से होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी जबकि ब्राउन एलगी में क्लोरोफिल ए एंड सी और साथ में एक पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन जो एक्चुअल में ब्राउन एलगी का जो ब्राउन कलर होता है ना बेटा तो ये ब्राउन टेंज इसको कौन प्रोवाइड करता है फ्यूकोजेंथिन प्रोवाइड करता है या हम यूँ कहते हैं ब्राउन एलगी ब्राउन क्यों होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं फ्यूकोजेंथिन की वजह से होते हैं ठीक है ठीके? रेड एलगी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और डी और जो रेड एलगी का जो रेड कलर होता है वो होता है बेटा फाइकोइरिथरेन बेटा फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट आपको साइनो बैक्टीरिया में भी देखने को मिला था लेकिन वहाँ पर हमने इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा था सी फाइकोइरिथरेन यहाँ पर आप एनसीईआरटी में ऐड कर लेना इसको हम बोलेंगे आर फाइकोइरिथ्रिन क्या बोलेंगे बेटा आर फाइकोइरिथ्रिन ठीक है आर फाइकोइरिथ्रिन जो है ये रेड एलगी का पिगमेंट है जो रेड एलगी को रेड कलर प्रोवाइड करता है दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स ग्रीन एलगी के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी देखो यहाँ पे ए बी है यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे ए डी है ये तो आपको सिक्वेंस में इजीली याद हो जाएगा ए कॉमन है यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इसमें बी इसमें सी और इसमें डी सिक्वेंस में है साथ में ब्राउन एलगी का ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है फ्यूकोजेंथिन की वजह से और रेड एलगी का रेड कलर किसकी वजह से होता है आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से साइनोबैक्टीरिया में जो फाइकोइरिथ्रिन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी फाइकोइरिथ्रिन से अब हम आते हैं स्टोर्ड फूड ये तीन पॉइंट मैं आपसे कल जरूर डिस्कस करूंगी बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड होता है मैनीटोल एंड लैमिनरी इंपॉर्टेंट है क्या होता है मैनीटोल एंड लेमिनरी रॉडो फाइसी के अंदर स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च इसमें कंफ्यूजन रहते हैं ब्राउन एलगी में फ्यूकोजिथिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है और रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च सेल्वोल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन एलगी में सेलवोल बनी होती है सेलुलोज की ब्राउन एलगी की सेल्वोल बनी हुई होती है सेलुलोज एंड एलजिन की जैसे ही आलजिन क्या होता है बेटा एक हाइड्रोकोलाइड है जो कमर्शियली भी हमने ब्राउन एल्गी से ऑप्टेन किया था और जो रेड एल्गी की सेल्वोल होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज पैक्टिन एंड पोलीसल्फेट एस्टर से किससे बनी है सैल्यूलोज पैक्टिन एंड पोलीसल्फेट एस्टर फ्लाजिलर नंबर और पोजिशन ऑफ इंसर्शन की बात करें कि इनके अंदर फ्लैजिला कितने होंगे और फ्लैजिला की पोजिशन क्या होगी तो उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो ग्रीन एलगी जो होते हैं इनके अंदर फ्लैजिला टू टू एट आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी फ्लैजिला होंगे वो सारे इक्वल इन साइज़ होंगे और एपिकल पोजीशन पे होंगे टिप पे होंगे बेटा सारे के सारे एक ही आ, सारे के सारे जो है बेटा एक ही पोजीशन, टिप के ऊपर प्रेजेंट होंगे और इक्वल इन साइज होंगे जबकि ब्राउन एल्गी के अंदर दो ही फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगे लेकिन वो अनइक्वल होंगे कैसे होंगे अनइक्वल। एक होगा लार्जर और एक होगा स्मॉलर ठीक है कौन कैसे होंगे बेटा एक होगा लार्जर और एक होगा स्मॉलर और ये अनइक्वल साइज में होंगे और लेटरल पोजीशन पे होंगे टिप पे नहीं होंगे कहाँ होंगे लेटरल पोजीशन पे एक छोटा होगा और एक कैसा होगा बड़ा होगा रोडो का खास करते क्या है कि रोडो के मेंबर में कोई भी फ्लाजिला आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ग्रीन एलगी फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं ब्रैकेश वाटर में भी मिलते हैं बेटा ब्रैकेश वाटर क्या होता है ये वो वाटर होता है जो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर के मिलने से बनता है जहाँ पे फ्रेश वाटर और मराइन वाटर आपस में मिक्स होता है उस वाटर को हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर और इवन सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं तो तीनों तरह के वाटर में ये आपको देखने को मिलते हैं ठीक है फेयोफाइसी की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर में बहुत रेयरली हमें मिलते हैं मेनली ये कहा मिलेंगे ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में ठीक है ऑफ़ फैसी की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर में सिर्फ इसकी कुछ ही फॉर्म देखने को मिलती हैं ज़्यादातर फॉर्म इसकी सॉल्ट वाटर में देखने को मिलती हैं और इवन ब्रैकिश वाटर में भी हमें दिखाई देते हैं दैट मीन्स फ्रेश वाटर में जो एलगी सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है वो एलगी कौन सा है ग्रीन एलगी बेटा सी के अंदर अगर हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक तरीके से अगर हम देखें तो मोस्टली आपको ग्रीन एल ब्राउन एल और रेड एल मान लो सारे ही मिलते हैं हालांकि ग्रीन एल सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर में मिलते हैं लेकिन कुछ मैराइन वाटर में भी मिलते हैं तो ग्रीन एलगी आपको मोस्टली टॉप पे मिलता है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो इनको लाइट चाहिए होती है तो ये मोस्टली सरफेस पे होती है। ब्राउन एल्गी पे हैं ब्राउन एलगी आपको इंटरमीडिएट पोजिशन पर मिलती है और सबसे डीपर पार्ट में जो एल गी सर्वाइव कर सकता है वो सिर्फ कौन सा एल होता है रेड एल क्योंकि इनके जो आर फाइकोइरथिन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये स्मॉलर वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं बेटा जैसे जैसे वेवलेंथ वाटर के अंदर पेनिट्रेट करती है वो ब्रेक डाउन होती रहती है तो शॉर्टर वेवलेंथ में कन्वर्ट होती रहती है तो शॉर्टर वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है रेड एलगी एब्जॉर्ब कर सकता है तो डीपर लेयर में सिर्फ एक ही एलगी सरवाइव कर सकता है दैट इज रेड एलगी तो ये चीज़ आप ध्यान रखना तो ये मेन डिवीजन था मेन कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं मेजर पिगमेंट स्टोर्ड फूड सेल्वोल फ्लैजुलर नंबर एंड पोजिशन ऑफ इंसर्शन एंड हैबिटेट को लेकर के तो तीनों क्लासेस के मेन मेन फीचर हमने स्टडी कर लिए अब हम एक एक क्लास को अलग अलग लेकर के डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लेकर के चल रहे हैं बेटा ग्रीन एलगी के क्लास को दैट इज क्लोरोफाइसी ठीक है तो ये तो हमने पढ़ ही लिया कि क्लोरोफाइसी के मेम्बर्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं ग्रीन एलगी कहते हैं ठीक है ठीके? अगर हम बात करें इनकी बॉडी फॉर्म की तो इनकी जो बॉडी होती है इट मे बी यूनिसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर हो सकती है कॉलोनियल हो सकती है या फिर फिलामेंटस भी हो सकती है हालांकि हम ग्रीन एलगी में यूनिसेलुलर को प्लान्ट किंगडम में ले रहे हैं लेकिन अभी यूनिसेल्युलर एलगी को किसमें ट्रांसफ़र कर दिया है बेटा प्रोटेस्टा किंगडम में ट्रांसफ़र कर दिया है ध्यान रखना हालांकि यहाँ पर एलगी में हम सारी ही एलगी पढ़ेंगे एलगी तीन किंगडम्स में आपकी मिलती हैं मोनैरा में आपके ब्लू ग्रीन एलगी हैं प्रोटेस्टा में भी फोटो सिंथेटिक एलगी आपको देखने को मिलते हैं और बाकी सारी किस्में है एलगी प्लान्ट किंगडम में आती है ठीक है तो इनकी यूनिसेल्यूलर फॉर्म भी होती हैं कॉलोनियल भी होती हैं और फिलामेंटस फॉर्म भी होती हैं अगर इनके बेसिक कलर की अगर हम बात करें तो इनका बेसिक कलर होता है दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर की होती हैं और क्यों होती है ग्रास ग्रीन कलर की ड्यू टू तो डोमिनेंस ऑफ ड्यू टू तो डोमिनेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की डोमिनेंस होती है इसलिए इनका जो कलर होता है वो ग्रास ग्रीन कलर का होता है और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ लोकेलाइज होंगे कहाँ मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलेंगे बेटा एलगी के अंदर क्लोरोप्लास्ट की शेप बहुत मैटर करती है ग्रीन एलगी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अलग अलग शेप के प्रेजेंट होते हैं जैसे कि किसी में डिस्कॉइड शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है डिस्क शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है ठीक है किसी में प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है प्लेट की तरह का किसी में रेटिकुलेट होता है एक नेटवर्क बना लेता है रेटिकुलम बना लेता है तो रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है कुछ एग्जांपल्स में आपको कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं इनके एग्जाम्पल भी आपको बताऊँगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर स्पायरल या रिबन शेप का भी हो सकता है जैसा कि स्पाइरोगैरा में देखने को मिलता है स्पाइरल या रिबन शेप अलग अलग स्पेसिस में इनके क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है ठीक है अच्छा एक चीज़ और इनके ज़्यादातर मेंबर्स में एक स्टोरेज बॉडी होती है स्टोरेज बॉडी को नाम दिया गया है पाइरिनोइड और ये पाइरिनोइड भी आपको कहाँ मिलेगा एट इज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट किसमें लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट में ठीक है बेटा पाइरिनोइड एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्लांट्स में हम कहते हैं स्टोर्ड फूड मैटर होता है स्टार्च लेकिन पायरिनोड में स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन्स भी ठीक है क्या होता है प्रोटीन्स भी होते हैं तो ये सही ध्यान रखना हालांकि कुछ एल्गी में स्टोरेज जो होती है वो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी हो जाती है इसका मतलब स्टोरेज जो मैटर होता है मेनली तो स्टार्च ही होता है लेकिन पायरिनोइड्स में आपको प्रोटीन्स भी देखने को मिलेंगे और कुछ जो एल्गी हैं उनके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट दैट मीन्स फैट को भी स्टोर करते हैं ठीक है चीके? अगर इनकी सेल वॉल की बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्युलज की बनी है एक्चुअल में क्या है सेल इसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर दो लेयर है आउटर लेयर जो होती है उस वो तो बनी हुई होती है पैक्टोज की और इनर लेयर जो होती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की तो हम कहते हैं कि इनके अंदर पैक्टो सेल्यूलोजिक लेयर होती है और ये एक रिजिड सेल वॉल बनाती है क्या बनाती है बेटा रिजिड सेल वॉल बनाती है तो पैक्टो लेयर होती है पैक्टिन और सेल्युलज की बनी हुई होती है आउटर लेयर पैक्टोज की होती है इनर लेयर सेल्यूलोज की होती है ठीक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर इसके केस में बात करोगे कि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो ग्रीन एलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड होता है या तो ये फ्रेगमेंटेशन करता है ठीक है मोस्ट कॉमन मेथड जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था क्या होता है फ्रेगमेंटेशन होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी बाई स्पोर्स और इनके अंदर कौन सा स्पोर बनता है बेटा जूस स्फोर बनता है मोटाइल स्पोर होते हैं ये ठीक है जूस फोर बनते हैं तो ये जूस फोर मोटाइल क्यों होते हैं क्योंकि ये स्पोर फ्लैजुलेटेड होते हैं और बेटा जिस सैकलाइक स्ट्रक्चर -like में आपके जूस स्पोर की फॉर्मेशन होती है उस सैकलाइक स्ट्रक्चर -like को हम कहते हैं जूस स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया एक ऐसा सेक्लाइट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है तो जूस फोर की फॉर्मेशन किसके अंदर होगी जूस फॉर एजिया के अंदर अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में जो ग्रीन एलगी होते हैं वो कंसिडरेबल वेरिएशन शो करते हैं किस चीज़ में द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स क्यों क्योंकि इसके केस में तीनों मेथड आपको देखने को मिलेंगे कुछ फॉर्म आइसोग होती है, कुछ फॉर्म अन होती हैं और कुछ फॉर्म ओ भी होती हैं तो तीनों के तीनों फॉर्म आपको इसमें देखने को मिलेंगे आइसोगेमस अन एंड ऊ गैमस आइसोगेमस हमने क्या बताया था फ्यूजिंग जो गैमेट होंगे दे आर सिमिलर इन साइज और अन में क्या बताया था फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज और ऊ में मैंने क्या बताया था बेटा फ्यूजिंग जो गैमेट्स हैं उनमें से मेल गैमिट्स स्मॉलर इन साइज एंड मोटाइल और फीमेल गैमेट लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाई अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका आता है कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी कौन कौन से ऐसे ग्रीन एलगी कौन से हैं जो कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं तो वो कौन कौन से हैं क्लेमाइडोमोनास बेटा मैं, मैं फिर से बता देती हूँ क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेल्युलर एल्गी है इसको अब प्रोटेस्टा किंगडम में इंक्लूड किया जाता है इसके अलावा वॉलवॉक्स जिसको हमने कहा था कॉलोनियल एलगी, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा जो कि फिलामेंटस एलगी हैं बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये भी और नेक्स्ट एग्जांपल आता है कारा कारा भी बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल आएगा हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके सेक्स ऑर्गन्स जो है बाकी एलगी से बिल्कुल डिफरेंट है तो वो हम बेटा वहाँ पे पढ़ेंगे तो ये तो सारे पॉइंट थे आपके क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के अब रोडोफाइसी और फेयोफैसी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ डायग्राम जो एन ने दिए हैं ये सारे के सारे डायग्राम आपको पता होने चाहिए ग्रीन एलगी के एन ने दो एग्जाम्पल दिए हैं बेटा एक तो है वॉलवक्स का ये वाला जो डायग्राम है इसको हम रोलिंग एलगी भी कहते हैं ये एक मोटाइल एलगी है जो मूवमेंट करता है इसमें ये तो दिखाई है पेरेंट बॉडी और ये है इनके पास डॉटर कॉलोनी जो डॉटर एलगी बनाएगा डॉटर कॉलोनी बना रहा है डॉटर बना रहा है तो ये डॉटर कॉलोनी है और ये है पेरेंट कॉलोनी दूसरा जो ग्रीन एलगी के एग्जाम्पल एनसीआर ने दिया है वो है यूलोथ्रिक्स का यूलोथ्रिक्स में देखो लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड लाइक बॉडी दिखाई है ये मल्टी सेलुलर है तो ये इसके अंदर कई सारी सेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी डिटेल में इसको हम ब्रॉड करके भी दिखाएंगे अभी मैं सिर्फ आपको एन के डायग्राम दिखा रही हूँ नेक्स्ट जो ये बी वाला पार्ट दिया हुआ है इसमें एग्जाम्पल दिए हैं बेटा ब्राउन एल की डायग्राम एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इसके जर्नल फीचर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पहला जो डायग्राम इसने दिया है वो दिया है लैमिनेरिया लैमिन एरिया में यहाँ पर तीन टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रोड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ एलगी की बॉडी जो होती है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट स्टैम और लीफ इनके केस में प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन ब्राउन एलगी में रूट की तरह फंक्शन कौन करता है होल्ड फास्ट ये तो एक सबस्टेटम से कनेक्ट होने में हेल्प करता है दूसरा ये होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर टाइप और ये लीफ की तरह फोटोसिंथेटिक पार्ट जो है इसका इसको हम कहते हैं फ्रोंड ठीक है फोलिएज स्ट्रक्चर है फोलिएज वर्ड किसके लिए यूज करते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर के लिए तो इसके अंदर इसकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रोंड होल्ड फास्ट तो इस एलगी को सबस्टेटम से कनेक्ट कराता है स्टाइप एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्रोंड को होल्ड फास्ट से कनेक्ट करेगा अब फ्रोंड इसका फोटोसिंथेटिक पार्ट है फॉलियर पार्ट है दूसरे इसने एग्जाम्पल दिया है फ्यूकस का अब फ्यूकस की बॉडी के अंदर भी आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी होल्ड फास्ट है आपका फ्रोंड है लेकिन यहां पर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करनी है वो क्या है एयर ब्लैडर वैसे तो बेटा एयर ब्लैडर जो होते हैं ये आपको फिशेस में देखने को मिलते हैं जो उनकी हेल्प करेंगे स्विमिंग में फ्लॉटिंग एबिलिटी बायसी एबिलिटी देते हैं लेकिन अगर प्लांट्स में एयर ब्लैडर पूछे तो सिर्फ आपको किस में देखने को मिलता है आपके ब्राउन एलगी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है एलगी में अगर पूछे तो कौन सी एलगी में एयर ब्लैडर है आपके ब्राउन एलगी में एयर ब्लैडर देखने को मिलता है ये इसका यूनिक करेक्टर है हालांकि डिटेल में तो हम एक और कैरेक्टर पढ़ेंगे फिकोजन वेसाइकल लेकिन एन के अकॉर्डिंग बाकी कहीं पे ये लाइन नहीं दी हुई है सिर्फ डायग्राम में मेंशन है तो ध्यान से देखना एयर ब्लैडर किसका यूनिक कैरेक्टर है ब्राउन एल का और ये फ्यूकस के अंदर मड्रिप है ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना तीसरा जो एग्जांपल दिया है ये ये एग्जाम्पल दिया है डिक्टियोटा का तो डिक्टियोटा में भी आपको देखने को मिल रहा है स्टाइप और होल्ड फर्स्ट तो ये डायग्राम्स आपको बनाने भी आने चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा एग्जाम्पल ग्रीन एल का है कौन सा ब्राउन एल का है और कौन सा रेड एल का है ठीक है अब रेड एल के भी दो डायग्राम एन ने दिए हैं पहला डायग्राम है पोरफाइरा का इसमें भी आपको फ्रोंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और दूसरा डायग्राम है पोली का हालांकि इसमें प्लांट लाइक अपीयरेंस आपको दिख रही है लेकिन बेटा इसमें ना तो ट्रू रूट होती है ना ट्रू स्टैम होता है ना ही ट्रू लीफ होते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखना ये है पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम और ये है पोरफाइरा का डायग्राम तो ये थे बेटा आज की एन का पार्ट इसे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे